भाइयों का प्यार, इस इन दोनों को गौर से देखो, मारो एक दूसरे को, मारो, कम ऑन, हाँ मारो मारो, यस एंजॉय, या मारो, वाओ कम ऑन, गुड जॉब। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फराज चैनल, हाउ यू आर डूइंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली फराज ब्लॉग बोल बोल के ना इतनी आदत हुई है, तो अभी फराज देसी ब्लॉग मैंने किया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग देसी है तो देसी ही रहना चाहिए ना। तो बट एनी वे, देखो बच्चों का, ए ये देखो, ये देखो, ये देखो, सी सी बहुत दिया, फाइट फाइट चल रहा है। ओके लोग तो अपना काम कर रहे हैं और मैं हूँ अभी फ्रेश अप होती तो कुछ आ गई। ओके So did you guys see my aloe vera? They are beautiful. Aloe vera is very good for health, both for hair, for skin, and for many other remedies. Oh, stop it! तो चलो, बच्चे तो रोज़ा नहीं है, हम लोग तो रोज़ा है माशाल्लाह, तो बच्चों को लंच करवाना है मुझे, और आज शाम और एक इफ्तार पार्टी है। एक्चुअली पार्टी इन द सेंस वो अपना जो ये है ना, यहाँ पे ना बहुत सारी कम्युनिटीज मतलब हॉल होते हैं मुस्लिम मस्जिद, तो वहाँ पे फ्राइडे नहीं सैटरडे और संडे आपको वहाँ पे इफ्तारी होती है। तो हम लोग जाएंगे पहली दफा आफ्टर 2 ईयर, ओह माय गॉड, 2 साल के बाद, तो बच्चों को भी थोड़ा लेके जाना है माशा इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा आज मैं वहाँ पे जाऊँगी इंशाल्लाह, मैंने हस्बैंड को ऑलरेडी बोला है आज तो जाना ही है, क्योंकि कल तो संडे है, फिर होता नहीं है जाना। तो आज वहाँ पे जाना है, बहुत सारा दोस्तों को मिलना है, फ्रेंड्स को इंशाल्लाह, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसा होता है यहाँ पे इफ्तारी। तो आप लोग भी मेरे वीडियो को पूरा देखना और इंजॉय करना और सब्सक्राइब करना। मैंने नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज है रोज़ा नंबर 8 और April 9th है आज शायद, हाँ April 9th है, और दोपहर के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:15। बच्चों का तो भी लंच हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर कुछ काम है सब कंप्लीट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलो, तो इफ्तारी पार्टी तो हम नहीं जा पाए, उसकी वजह बता दूँगी। तो जो था इफ्तारी का घर में वही मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने ना झटपट पराठा पफ्स बनाया, कैसे वो बता रही हूँ। पराठा निकाल दिया है थोड़ा सा फ्रीज़र में, और मेरे पास ना स्टफिंग थी चिकन की, तो वो मैंने ना डाल दिया है उसमें, और आपको ना पराठे के कॉर्नर्स में पानी लगाना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और मैंने क्या किया है, ऊपर से ना उसको ऑयल से थोड़ा सा ये किया है, लगाया है। आप ऑयल या बटर दोनों में से एक लगा सकते हो, मैंने 4 या 5 ही किए थे क्योंकि ज़्यादा कोई खाना तो है नहीं। तो हाँ ये किया, और मैंने बनाया था आज हरा भरा खीमा, बहुत ही सिंपल। वेदर की वजह से हम लोग, आपको दिखा रही हूँ, इतना ठंडा है, ये अप्रैल महीने में कैसा वेदर है यार, ये देख सकते हो रास्ते पे बारिश भी हो रही है बहुत सारी, नहीं जा पाए इस वेदर की वजह से, इफ्तार पार्टी कैंसिल हो गई। तो मैंने जो घर में था वही कुक किया, चलो अंदर जाते हैं। ओह माय गॉड, इट्स सो चिल्ड। ऐसे ना इस वेदर में ना, ये डबल वेदर में बीमार हो जाते हैं मोस्टली, सर्दी खांसी बुखार होता है पता, तो इट्स बेटर टू बी होम और जो है बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते। तो अभी तो मैं खीमा बना रही हूँ, चीज़ें तैयार की है, दिखा दी। सिंपल एग एंड टमेटो सैंडविच, मेरे पास मैंगो था, ये वापस फरमाइश पे मैंने चिकन पफ्स बनाए हैं, और दही वड़े तो पता है कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी शेयर किया है, वो भी बनाया है, थोड़े से पैर थे और फ्रूट्स थोड़ा सा कट कर। तो हरा भरा खीमा बनाने के लिए मैंने एक पॉट लिया है, उसमें कार्डमम और जीरा डाला है, और एक बड़ा सा ऑनियन चॉप करके डाला है। ऑनियन थोड़ा सा सॉटे होने के बाद मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, ये अच्छे से आपको सॉटे करना है, फिर उसमें डालना है टमाटर, और सिंपल स्पाइसेस डाला है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर, और फिर मेरे पास था हरा पेस्ट जो कि हरी कोथमीर और ग्रीन चिली का, वो मैंने 2 स्पून डाल दिया है। और खीमा आप अपने पसंद का ले सकते हो, मटन हो या चिकन हो, तो उसको अच्छे से वॉश कर दो और इसमें डाल के धीमी आंच पे रख दो, पक गया 15 से 20 मिनट के अंदर पक गया था। डिनर में यही खाया मैंने, सिंपल दाल चावल और खीमा, यही था हमारा आज April 8th का अपना रोज़ा। आई होप यू लाइक इट, होप टू सी यू अगैन विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।